तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका किसान भाइयों, राम राम आप सभी को। दोस्तों आप सभी का काफ़ी मुझे कमेंट था कि सर सोनालिका का कोई रिव्यू बनाइए आप, तो मैं आज सोनालिका का एक रिव्यू बनाने के लिए आया हुआ हूं। मैंने सुना है ये ट्रैक्टर किसान भाइयों के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये है सोनालिका DI-50 RX ट्रैक्टर जो कि 50 HP हॉर्स पावर के अंदर आता है। यहाँ पे हम इसके ऑन रोड प्राइसेस के बारे में आपको बताएंगे, प्लस इसके क्या क्या विशेषता है, क्या क्या फीचर्स है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी बेहतरीन इसका कलर है, दोनों ही साइड में आपको सोनालिका की बैजिंग जो कि हर ट्रैक्टर के ऊपर दिखाई देती है वो दिखाई देती है। दूसरा यहाँ पर HDM हैवी ड्यूटी माइलेज, यानी कि HDM का मतलब होता है कि हैवी ड्यूटी माइलेज वाला ये ट्रैक्टर है सोनालिका की तरफ से। यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन आपको इसके अंदर टायर मिल जाते हैं, सामने का जो टायर है वो आपको 7.5x16 का मिलता है, काफ़ी मजबूत और ड्यूरेबल टायर है। और यहाँ पे अगर पीछे के टायर के बारे में आपको बताऊँ तो ये आपको 14x9x28 इस तरह का टायर आपको पीछे मिल जाता है, काफ़ी मजबूत पकड़ रहती है इस टायर की, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी है, जब आप इसको खेतों में यूज करते हैं तो आपको खेतों में जो है स्लिप होने के चांसेस नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इंजन की तरफ से शुरुआत करते हैं कि ये जो सामने आपको बोनट दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो मैं आपको इसको खोल करके बता देता हूँ। तो दोस्तों हमने बोनट को खोल लिया है, काफ़ी स्मूथ इसका बोनट खुल जाता है, जब भी मैं इसको खोलता हूँ और ये इसको छोड़ता हूँ तो ये आसानी से ऊपर चला जाता है, यानी कि आराम से इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉक सिस्टम मिलता है। दूसरा दोस्तों ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है, जनरली हमारी बैटरी वगैरह का चोरी होने का जो चांसेज है वो ना हो सके, इसलिए ट्रैक्टर की जो बैटरी है बोनट के अंदर दी गई है। यहाँ पर आपको एक्साइड की बैटरी मिल जाती है इसके साथ में, और यहाँ पर इसके सामने आपको फिल्टर मिलता है जो कि ड्राई फिल्टर होता है, साथ ही यहाँ पर आपको इसका कूलेंट जो है चैम्बर वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, इनलाइन पंप के साथ में ये आता है। रही बात दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो अलग से इसके अंदर दिया गया, यानी कि अलग से कई ट्रैक्टरों के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन सोनालिका के इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है उसका चैम्बर यहाँ पे अलग से देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 85 किलो वेट का लगभग आपको ये बम्पर मिलता है, काफ़ी मजबूत है, जिससे कि हमारा ट्रैक्टर जो है वो उठ ना सके। कई बार क्या होता है, हम ट्रॉली वगैरह को या उस तरह को अपन चढ़ाव में लेकर के जाते हैं तो ट्रैक्टर के आगे से उठने के चांसेज रहते हैं, उसीलिए यहाँ पर 85 किलो का यहाँ पर आपको ये बम्पर देखने के लिए मिल जाता है। चलिए दोस्तों हम ट्रैक्टर के बाकी फीचर्स को देख लेते हैं आगे चल करके। सामने आपको बताना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन आपको लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं, सोनालिका की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, और सामने का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे की बात करते हैं। तो एक और इस खास बात इस ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कंपनी ने दो पंप जो है सेपरेट दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक पंप जो है आपको हाइड्रोलिक का मिल रहा है सेपरेट, और एक पंप आपको पावर स्टीयरिंग का मिल रहा है, यानी कि दोनों का ही यहाँ पे आपको सेपरेट पंप दिया गया है। इनकेस अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो बाकी ट्रैक्टर्स में क्या होता है कि हमें दोनों ही पंप चेंज करने पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सिंगल एक जो है पंप आपका जो खराब हुआ है वही चेंज करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है। दूसरा यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर इसका एक साइलेंसर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक रियर साइड व्यू मिरर भी मिलता है जो कि ड्राइविंग करने के दौरान हमारे किसान भाइयों को काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब दोस्तों आपको इंजन के पावर के बारे में बताता हूँ, 3065 cc का आपको यहाँ पर इंजन मिलता है, जिससे कि आपको 205 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और हमें जो RPM मिलते हैं इंजन के 2000 RPM मिलते हैं, रेटेड RPM जो होते हैं। चलिए दोस्तों हम स्टीयरिंग के ऊपर बैठ के देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको ऑयल इमर्स ब्रेक का लीवर मिलता है, यानी कि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको ऑयल इमर्स ब्रेक मिल जाते हैं। इसकी प्राइसिंग के बारे में भी बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ये जो ट्रैक्टर है आपको फिलहाल इस जगह पर 7,20,000 रुपये का ऑन रोड पड़ जाने वाला है। साथ ही आपको ये जो KNOP वगैरह दिख रही है ये सारी की सारी आपको ट्रैक्टर के साथ में डीलर्स के द्वारा दी जाएगी। और दूसरा दोस्तों अगर किसी खास ऑफर के बारे में आप जानकारी लेने चाहते हैं तो आपको पर्सनली यहां पर आना पड़ेगा, पद्मापति अभिकरण इंदौर जो ये ट्रैक्टर का शोरूम है राव और महू के बीच में पड़ता है पिगडम्बर के आगे। चलिए दोस्तों हम ट्रैक्टर के बारे में आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दोनों ही साइड में इंडिकेटर मिलते हैं, एक यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर, जिससे कि आपकी नाइट में जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। साथ ही यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए अलग से एक लाइट भी मिलती है, जिससे कि रोशनी बनी रहे, और नंबर प्लेट के लिए आपको स्पेसिफाइड जगह भी मिल जाती है। पीछे की साइड में भी आपको एक लाइट मिलती है काफ़ी अच्छी, जो कि आपको नाइट में काफ़ी आपके काम आने वाली चीज़ होती है। अब दोस्तों पीछे के कंपार्टमेंट की हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप पल्टी पुलाव चलाना चाहते हैं तो बाकी ट्रैक्टर्स में क्या होता है कि आपको जुगाड़ लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ऑटोमेटिकली पहले से ही आपको यह सिस्टम दिया गया है कि अगर आप पल्टी पुलाव चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर हिंजिंग, कई प्रकार की हिंजिंग दी गई है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से
आप अपना कहीं पे भी जो है कनेक्ट करके अपने बाकी की चीज़ों को यूज कर सकते हैं। पीछे की साइड में यहाँ पर आपको एक लाइट के लिए कनेक्शन या चार्जिंग वगैरह के लिए भी एक सॉकेट दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको बॉटल वगैरह रखने के लिए भी फैसिलिटी इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाती है। काफ़ी मजबूत और बेहतरीन बॉडी के साथ में इसको बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम ड्राइवर सीट पर चढ़ के देखते हैं कि किस प्रकार का आनंद और कंफर्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ड्राइवर भाई को चढ़ने के लिए यहाँ पर स्टेप मिल जाता है, जिससे कि काफ़ी ऊँचा ट्रैक्टर है, आसानी से ऊपर चढ़ सके। साथ ही उसके पास में आपको यहाँ पर एक टूल बॉक्स भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप अपने रिंच पाने वगैरह रख सकते हैं। चलिए मैं ऊपर चल के देखता हूँ। दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन सीटिंग है, मुझे इसकी सीटिंग काफ़ी अच्छी लगी। सीट भी काफ़ी सक्शन वाली है, यानी कि हमारे ड्राइवर भाई जब ट्रैक्टर को चलाएंगे तो दिन रात जब उनको ट्रैक्टर चलाना होता है तो उनको थकावट ना हो सके। साथ ही उनके दो दोस्त जो है या यार साथी कह सकते हैं, वो यहाँ बैठ सकते हैं आराम से बातें करने के लिए। यहाँ पे आपको एक हैंडल भी मिलता है, जब आप ऊपर चढ़ते हैं आराम से चढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसके स्टीयरिंग के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है, काफ़ी बेहतरीन पावर स्टीयरिंग है। दूसरा दोस्तों, कारों के अंदर जो फंक्शन आता है कि आप एक उंगली से अपने स्टीयरिंग को रोटेट कर सकते हैं, वो सारी फैसिलिटी इसके अंदर दी गई है, यानी कि काफ़ी अत्याधुनिक इस ट्रैक्टर को बनाया गया है। साथ ही यहाँ पे आपको मैं डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटली शो होती हैं, एनालॉग और डिजिटली। यहाँ पे आपको आवर्स दिखाई देता है, यहाँ पे आपको इंजन के टेम्परेचर वगैरह है, यहाँ पे बैटरी का जो है वो कनेक्शन वो दिखाई देता है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी बेहतरीन इसका डैशबोर्ड है। और अगर हम बात करें गियर शिफ्ट लीवर की, तो यहाँ पर आपको चार गियर और एक रिवर्स, यानी कि इस तरह के गियर बॉक्स का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको PTO का जो है वो ऑपरेट करने के लिए लीवर मिल जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कार के जैसा फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, मुझे बताया गया है कि इसके अंदर जो है कार की तरह का ही यहाँ पे आपको एक हैंड ब्रेक भी देखने के लिए मिल जाता है। ये जो इसका लीवर है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये वाला ये जो लीवर है, इसको अगर आप खींचते हैं तो ये आपका कार पार्किंग लीवर की तरह यहाँ पे ये काम करता है, काफ़ी बेहतरीन है। अब हम इसके क्लच के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको डुअल क्लच मिलता है, काफ़ी सॉफ्ट इसका क्लच है। देखो, मैं हल्के से इसको मतलब प्रेस कर पा रहा हूँ, यानी कि कार से भी ज़्यादा स्मूथ मुझे इतने बड़े ट्रैक्टर का जो है क्लच देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, काफ़ी बेहतरीन है ये दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं नीचे बताऊँ आपको, तो यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी मिल जाती है और काफ़ी सारे कनेक्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरह का ये ट्रैक्टर है दोस्तों।